प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में अयोध्या और प्रभु श्री राम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम नए गीत, भजन और कविताएं लिखी जा रही हैं, लिहाजा इन सारे गीतों को सोशल मीडिया पर एक हैशटैग के साथ चलाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम बीजेपी को कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए यहाँ आए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर कार्यक्रम में थे। आज प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम और अयोध्या को लेकर के हैशटैग चलाने की बात कही। कितना कैसे सोशल मीडिया पर लगता है कि इससे बेहतर होगा और भगवान श्री राम के लिए जो माहौल बन रहा है, 22 जनवरी कितना बड़ा दिन? ये भगवान श्री राम का जो हमारा जो मंदिर है, ये हम लोगों की बहुत दिन की इच्छाएं पूरी हुई हैं और हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में भजन गीत और इसके साथ जो है इसका प्रचार प्रसार हो, लोग इसमें हर तरह से इन्वॉल्व हों, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान पर बने हुए गीतों के लिए, अयोध्या के गुणगान के लिए एक हैशटैग चलाने की बात कही है प्रधानमंत्री ने। जी, हम लोग जो भी प्रधानमंत्री ने कहा है, हम लोग उनकी बातों का ध्यान देते हुए हर चीज़ पे ध्यान देंगे और श्री राम मंदिर 500 सालों के बाद हमारे भारत माता का कोई सपूत आया है, जिसके विशेष सहयोग से, कर कमलों से आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का शिलान्यास होके और अब मंदिर तैयार हो गया है। सब लोग 500 साल के बाद श्री राम चंद्र जी को अपने भवन में देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे लिए भगवान के बाद भगवान अपने भव्य मंदिर में पहुंचेंगे। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि अयोध्या और श्री राम के लिए एक हैशटैग चलाया जाए। सोशल मीडिया ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है, आज प्रधानमंत्री ने भी माना। जी जी, बिल्कुल माना है और ये हमारे पूरे देश को एक चीज़ करना चाहिए। आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो चीज़ें कहते हैं एक वास्तविक धरातल स्थल पर कहते हैं, जिसे हमने देखा, जो हमारी 500 साल की हमारी पुरानी धरातल जो हमारी है, संस्कृति है, उसको जीवित धारण करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा 22 तारीख का दिन एक ऐसा भव्य दिन होगा जिसमें पूरा देश एक ज्योतिर्मय होगा, जिस दिन पूरे देश में एक साथ दिए जलाए जाएंगे, सभी उसमें किए जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।